आज आपको मैं नोट्स के बारे में बताऊंगा। फायर सर्विस में नोट्स की क्यों आवश्यकता होती है। कोई भी कैजुअल्टी को रेस्पर करते हैं, जब नीचे से ये ऊपर या ऊपर से निचली मंजिल पर जाते हैं तो हमें नोट्स की आवश्यकता। किसी भी इक्विपमेंट को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमें नोट्स की जरूरत है। इसमें सबसे पहले नोट्स आता है कि आपका ओवरहैंड नोट, जिसको थंब नोट भी कहा जाता है। तो ओवर हैंड नोट कैसे बनाई जाती है, सिंपली सी नोट्स है। इसको यहाँ से ये लूप बढ़ाते हुए सीधा अंदर से ये डाल दीजिए, दिस इज ओवर हैंड नोट। इसी को ही थंब नोट्स बोलते हैं और इसी को ही ओवर नोट। इसका यूजेबल कहाँ किया जाता है, हमारा जो रस्सा है, रस्से को इसका जो स्टैंड है उधड़ने से बचाता है। दूसरी जगह कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ हमारा कंडम होज होता है, जो फटा होज होता है, उसको क्या किया जाता है, मेल कपलिंग की साइड से एक थंब नोट लगा दिया जाता है। तो कोई भी उसको फायरमैन उसको उठा नहीं सकता, उसे पता ये लग जाता है कि ये होज कंडम है, फटा हुआ, उसको यूजेबल नहीं करें, ठीक है। उसके बाद में दूसरी नोट्स आती है फिगर ऑफ एट। फिगर ऑफ एट में होज भी लपेटा जाता है, मालूम है ना। तो फिगर ऑफ एट को हम कहाँ इस्तेमाल कर जाता है, जब हम पुली से रस्सी को गुजारते हैं, किसी भी पुली से रस्सी को जब गुजारते हैं तो वो स्टॉपर का काम करते हैं। तो फिगर ऑफ एट को हम स्टॉपर नोट भी कहते हैं, ठीक है। तो सेम कार्रवाई, वही लूप बनाते हैं, इसमें एक टर्न और डाल दीजिए और सीधा अंदर से ये बाहर, दिस इज फिगर ऑफ एट नोट्स, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका दो स्मॉल रस्सी को ज्वाइंट करने के लिए, दो स्मॉल रस्सी को ज्वाइंट करने के लिए हमें कौन सी गांठ की आवश्यकता पड़ती है, रिप नॉट। कौन सी पड़ती है, रिप नॉट। रिप नॉट का दूसरा नाम फर्स्ट एड नॉट भी है, ठीक है, और उसको डॉक्टरी गांठ बोलते हैं। दोनों रस्सी के किनारे को पकड़िए और जो नीचे वाला किनारा है एक किनारे को घुमाते रहिए, नीचे से हमने ऊपर को घुमा दिया, ठीक है, इसको घुमाते वही फिर नीचे से ऊपर को घुमा लें। इसमें दो लूप बन जाते हैं, ये लूप बन जाते हैं, ठीक है, ये बन गया हमारा दो समान इक्वल रस्सी को, जो इक्वल मोटाई होती है जिस रस्सी की, उसको ज्वाइंट करने के लिए रिप नोट की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसको और स्टोर करना है तो सीधा कोई भी नोट्स को स्टोर करने के लिए एक हाफ इंच और डाल दिया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में रिप नोट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका सिंगल सीट बैंड। सिंगल सीट बैंड कहाँ यूज किया जाता है, दो असमान अनइक्वल रस्सी को ज्वाइंट करने। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारे पास में जो मोटी रस्सी होती है ये अनइक्वल है, ये छोटी रस्सी मान लो इसको, इसको मोटी रस्सी। मोटी रस्सी की एक लूप बनाइए, लूप के उंगली ऊपर रखिए और नीचे से सीधा निकाल दीजिए, ठीक है, निकाल दिया, वापस ये राउंड दीजिए। राउंड देने के बाद में वापस इसी में ना डालिए, इसमें डालोगे तो आपका क्लो हिच हो जाएगा, नहीं करेक्शन, आपका रिप नॉट हो जाएगा। इसके उंगली के साथ साथ बाहर निकाल दीजिए, ये हो गया आपका सिंगल सीट बेल्ट। दो असमान रस्सी, दो अनइक्वल रस्सी को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है इसी नोट्स को मजबूती देने के लिए डबल सीट बैंड। इसी नोट्स को मजबूती देने के लिए डबल सीट बैंड। डबल सीट बैंड भी सेम कार्रवाई, एक लूप बढ़ाई और दूसरे किनारे के दूसरी अनइक्वल रस्सी को नीचे से निकाला। जहां हम एक राउंड डालते हैं उसी पे ही हमने दूसरा राउंड डाल देना है, डल गया राउंड, और सेम कार्रवाई इसी के दोनों के नीचे से निकाल दीजिए। ये निकाल दीजिए और इसको खींच दीजिए, ये हो गया आपका डबल सीट बैंड, दो अनइक्वल रस्सी को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कैरिक बैंड। कैरिक बैंड का कोई काम नहीं है, जैसे हमने रिप नॉट लगाया है, बिगड़ी हुई गांठ बोलते हैं उसको,
रिप रोड लगाया, रिप रोड हम नीचे से नीचे घुमाते हैं, इसको किसी भी साइड से घुमा दीजिए उसका अपोजिट हो जाता है, यानी रिप रोड का अपोजिट हो जाता है, इसको बोलते हैं कैरिट बैंड, बिगड़ी हुई गांठ। ये भी मतलब रस्सी को जोड़ने के लिए बिगड़ी हुई गांठ को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास में किसी भी कैजुअल्टी को ऊपर से नीचे लाने के लिए या किसी इक्विपमेंट को ऊपर से नीचे लाने के रेस्क्यू नोट्स होती है। रेस्क्यू नोट में सबसे पहले आता है बोलाइन। कौन सी आती है? बोलाइन। बोलाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सेम यही है, आपका एक लूप बनाओ, लूप बनाने के बाद में एक आप हिच लगाइए, हिच लगा दिया, दोनों हाथों से पकड़े रखो, यहाँ से रनिंग पार्ट जो बोलते हैं इसको नीचे से डालिए और लूप के भी नीचे से डालिए और वापस इसी में डाल दिए, ये आपका कौन सा नोट्स बन जाएगा? बोलाइन। ये बोलाइन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसका इसका ज़्यादातर रेस्क्यू पर्पज के लिए, जब बीएसएफ पहन के जाता है, किसी सर्चिंग के लिए जाते हैं तो उस समय कमर में लगाते हैं। अभी देखो कमर में कैसे लगाते हैं, सेम कार्रवाई। बाएं हाथ से हमने रस्सी को पकड़ दिया और दाहिने हाथ से सीधा दाहिने हाथ से हमने क्या किया, रस्सी और हाथ के बीच से डालते हुए और एक राउंड घुमा दिया रस्सी के साथ, जो हमसे राइट हैंड से रस्सी पकड़ रखे वही एक राउंड इसमें डाल दिया और वापस जहाँ से हाथ डाला है वहीं से ही अपने हाथ को निकाले रस्सी के साथ, सेम हो जाएगा। ये हो गया आपका बोलाइन। इसी का साथ होता है रनिंग बोलाइन। रेस्क्यू नोट दूसरा कौन सा है? रनिंग बोलाइन। रनिंग बोलाइन में सेम होता है, एक लूप, एक हिच और पहले हम स्टैंडिंग पार्ट से क्या करते हैं, एक राउंड निकाल देते हैं। उसमें राउंड नहीं निकाला था, इसमें हमने एक राउंड निकाल दिया। राउंड निकालने के बाद में सेम कार्रवाई, हिच के नीचे से, लूप के नीचे से और वापस वापस हिच में डाल देना है इसके नीचे। ये दोनों रस्सी आ गई, दोनों रस्सी आने के बाद में लूप वाली रस्सी को खींच लेना। ये है हमारे पास में क्या है, रनिंग बोलाइन। रनिंग बोलाइन ज़्यादातर हमारे जो फायर बोट होती हैं समुद्री में, जो फायर बोट रखते हैं समुद्री पास में, उसमें लगाने के लिए यूज किया जाता है। और ज़्यादातर इसको वहाँ यूज नहीं करना, जैसे बहते हुए पानी में या पानी में जोहर में तालाब में नदी में नहर में कोई डूब जाता है तो किसी भी जीव के अंदर गले में नहीं डालना, ये फांसी का फंदा बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है टू लूप बोलाइन। टू लूप बोलाइन, ये रस्सी को डबल 3 फीट के किनारे से डबल करना है और डबल करने के बाद हमने क्या करना, एक थंब नोट जो ओवर एंड नोट बताया था वो थंब नोट लगा दिया। लगा दिया हमने थंब नोट को पकड़ लिया और सीधा जो ये लूप बन गई है इस लूप को वापस डाल दीजिए। डालने के बाद में लेफ्ट हैंड को निकाल दिया, लेफ्ट हैंड को वहीं पकड़ लीजिए। अब लूप कौन सी डाली थी? यही डाली थी, तो उसी लूप लूप को खींचना है हमने और दूसरी चीज़ को नहीं खींचना। जब ये नज़दीक आ जाता है, लूप पूरा नज़दीक आ जाता है, तब लूप को और डबल रस्सी को खींच दीजिए। ये आपका टू लूप बोलाइन, यानी कि एक एक में क्या आएगा आपका, वो चेयर नोट वाला काम करेगा, एक में आपका आर्म पिट डालेंगे और दूसरे में क्या डालेंगे, पैर डालेंगे। दूसरा स्ट्रेचर का भी यूज कर लेते हैं, उस दिन स्ट्रेचर का दिखाया था तो स्ट्रेचर के साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये कौन सी नोट्स होगी? टू लूप बोलाइन। अभी आता है चेयर नोट। फायर सर्विस में सबसे ज्यादा कैजुअल्टी को ऊपर से नीचे लाने के लिए चेयर नोट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चेयर नोट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमने ये क्या किया, यहाँ से बाहर एक हिच लिया और इधर से ये लिया, बाहर वाला है उसको अंदर ले लो और अंदर वाला हिच है उसको बाहर को आमने सामने कर लो और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए और खींच दीजिए। जब खींचते हैं तो ध्यान रखे नोट्स आपके कंधे के बराबर हो, एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा होना चाहिए, ये ठीक है। इसको करने के बाद में सेम ऊपर वाली रस्सी को टाइट कर दो। टाइट करने के बाद में दोनों साइड में आप एक एक हिच लगा दीजिए, हिच बन गया, सीधा लूप को निकाल दीजिए।
दूसरा हित बन गया, ये डाल। अब इसको पहनते समय ध्यान देना है और कुछ नहीं, पहनते समय हमें ध्यान देना है कि बड़ा लूप, अब तकरीबन ये दोनों एक जैसे से लग रहे हैं, बड़ा लूप पहले पहने और उसके बाद जैसे आइए बेटे बैठ जाने चाहिए, कोई बात नहीं, ये बैठ जाओ, सीट को रखो, ये पहले आराम से पैर को ये और सीट के नीचे से ऊपर आराम से लिया। इधर इसको देखो, आप बिल्कुल बॉडी को लूज कर रहे, ये जैसे कि मान ले अविनाश है, अविनाश बिल्डिंग पर है, वहां पर आपको दो या तीन रेस्क्यूअर पक्का मिलेंगे, ठीक है। ये होगी हमारी रेस्क्यू लाइन, रेस्क्यू लाइन तो ये भी है, इसका भी इस्तेमाल करता है। ये ऊपर होगी हमारी हमेशा जो ऊपर से जो कैजुअल्टी के साथ बंधी हुई है वो क्या बोलते हैं, रेस्क्यू लाइन, ये होती है गाइड। अभी जैसे इसको ऊपर उठा, ये ऊपर से नीचे आएगा तो मैंने उसको नीचे वाले दो तीन रहेंगे वो गाइड करेंगे, किसी भी मतलब दीवार से या किसी भी मतलब उससे छज्जे वगैरह से टकराए नहीं, कैजुअल्टी कैजुअल्टी दूर रहे दीवार से, तो उसको बोलते हैं गाइडलाइन। तो कैजुअल्टी को गाइडलाइन करने के लिए उठा इसको पूरा, हाँ बिल्कुल, ये आपका चेयर में निकालो, उसके बाद में आता है थ्री लूप गो लाइन, सेम कार्रवाई, उसमें हम अलग अलग पैर रख देते हैं, जैसे चेयर लोड में हम एक साथ लूप रख देते हैं, उसमें अलग अलग पैर रख देते हैं, थ्री लूप गो लाइन। ये डबल रस्सी का हमेशा एक हिच बना, हिच बनाने के एक लूप बनाओ, लूप, उसके बाद में एक हिच बनाए, हिच बनाने के बाद में ये जो लूप बन रहा है सेम जो हम बोलाइन लगाते हैं सेम कार्रवाई, और वापस उसी में डालते हैं, ये लंबा दिन ये हो गया हमारे पास में टू लूप बो लाइन। इसमें जो आरपिट आप इधर इधर एक और अभी देखो इसमें डाल के हम कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, वही पहले आराम पिट में डालो बड़े लूप को, बैठ जा आराम से, नहीं दोनों को नहीं डालना चाहते बड़े लूप, अब इनको हाँ ये डाल दिया, अब इनको आप अलग अलग उसमें डाल काम डाल दिया, इसमें ये इसमें ये इसमें अलग 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 ये इसमें ये सही चल, उसको नीचे नहीं लिया इसको, हाँ उल्टे पहन लें क्या सीधा निकालो, निकालो एक मिनट कोई बात निकालो, दोनों टांगों ये इसमें डालो, फिर ये इसमें लगा ये ये टांग इधर रहेगी, इसमें क्या है बेटे ऊपर डाल दीजिए ये, चल भाई उठा उठा इसको उठा, ये उसमें हमें एक साथ टांग उठाई थी और इसमें अलग अलग टांग डाली थी, कार्रवाई वही है सेम, तो इसको क्या बोलते हैं थ्री लूप बो लाइन, निकाल दो थ्री लूप बो लाइन। एक रेस्क्यू नोट होती है सेल्फ रेस्क्यू के लिए, जो रस्सा हम इस्तेमाल करते हैं उस रस्से से
हम क्या कभी फंस जाते हैं, तो रस्सा भी साथ में आना चाहिए, ठीक है ना, रस्सा भी हमारे साथ में आना चाहिए, तो हम उस रस्से से नीचे उतर भी जाए, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, यही किया जाता है, ये डाल दिया हाथ के ऊपर, ये लूप बन गई एक तरह से, ठीक है। उंगली की तरफ से एक ये रस्सी को अंदर लीजिए, इसके नीचे से हाथ डाल दिए, उसको हटाइए और वापस दूसरी रस्सी को लीजिए, उसको अंगूठे में लगा दिया, अंगूठे वाली रस्सी को नहीं खींचिए, दूसरी रस्सी को खींच लीजिए, इससे क्या होता है, अब इस रस्सी से आप खींचेंगे, मानो उतरेंगे नीचे, तो आप तुरंत गिर जाएंगे, क्योंकि ये एंगल अभी तो ऐसे रहेगा, इसमें डाल के नहीं रखा था, इसमें रहेंगे, खुला रहेगा, इस रस्सी से डालेंगे, हम खींचेंगे तो आपको क्या होगा, ये टाइट होती चली जाएगी और नीचे उतर जाएंगे, ठीक है। जब नीचे उतरने के बाद में हम इस रस्सी को खींचेंगे तो वापस रस्सी अपने पास में, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ रेस्क्यू के लिए रस्सा को वापसी लेने, बस।